जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम 24 में। आज हम लोग करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। प्राचीन इतिहास के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं सीरीज बनाया हूँ। टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसके राज्य के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड के स्वामी का प्रभुत्व दिल्ली से लेकर पालम तक है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, और फोर्थ ऑप्शन है आलम शाह। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को कहा जाता था कि उसका शासन दिल्ली से लेकर पालम तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों का प्रयोग करने और भारतीय काव्य कल्पना को अपनाने वाला पहला मुस्लिम लेखक कौन था? चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है हसन निजामी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है अब्दुल कादरी बदायूनी। तो इसका आंसर कौन सा सही है आप लोग बताइए। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, पहला अपनाने वाला मुस्लिम लेखक कौन था? अमीर खुसरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? चार ऑप्शन है, इनमें से आपको गलत ऑप्शन बताना है। ये घटना है, इसको आप बताएंगे कि कौन सी इसमें गलत है। ओके, चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है, गुरु नानक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन बी है, गुरु नानक ने मूर्ति पूजा को त्याग दिया था। ऑप्शन सी है, गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को त्याग दिया। ऑप्शन डी है, गुरु नानक ने भगवान की भक्ति पर जोर दिया क्योंकि वह प्राप्ति का साधन है। ओके, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तारीख उल हिंद लिखा था? किसने तारीख उल हिंद लिखा? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अल उती, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है हसन अन निजामी, ऑप्शन डी है मिहानुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आप लोग बताइए, कौन सा इसका आंसर सही है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसने ऑप्शन नंबर बी सही है, अलबरूनी ने तारीख उल हिंद लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत को उत्तर और दक्षिण के बीच के पुल के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। भक्ति संत को उत्तर दक्षिण के बीच के पुल के रूप में किसे माना जाता था? तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन चैतन्य, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है नानक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। पांचवे का सही आंसर आप लोग बताइए क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को भक्ति संत को उत्तर और दक्षिण के बीच के पुल के रूप में जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से किसने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को हराया था? किसने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को हराया था? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गोबंदा थर्ड, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा थर्ड, थर्ड ऑप्शन है भोज प्रथम, और फोर्थ ऑप्शन है गोपाल फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। छठे का सही आंसर क्या है? छठे का सही आंसर कौन सा है? गोबंदा थर्ड, इसने नागभट्ट प्रथम को हराया था। ये प्रतिहार शासक था, ये प्रतिहार शासक था जिसने नागभट्ट प्रथम को हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेवन ये है, देखिए आप लोग, चालुक्य के शासकों में अश्वमेध यज्ञ किया गया था। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है कीर्तिवर्मन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है पुलकेशिन सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है विक्रमादित्य फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? सातवें का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है, आप बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें दिया है, इनमें से कौन सा एक चेरस का बंदरगाह था? क्वेश्चन है, यहाँ गलत लिखा है, इसमें क्या देना चाहिए था, इसमें से कौन सा एक चेरस का बंदरगाह था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, सेकंड ऑप्शन है मुजीसीर, थर्ड ऑप्शन है कोरकाई, फोर्थ ऑप्शन है तंदई। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। आठवें का सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजीसीर एक बंदरगाह था चेरस का। ओके, ये चेरस का बंदरगाह था,
मुझी सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गोरी को हराने वाला भारत के पहले शासक कौन थे? मोहम्मद गोरी को हराने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात के मूल राज, सेकेंड ऑप्शन बी है दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड के कन्नौज, ऑप्शन डी है परमल देव के जयचंद्र। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड के कन्नौज। ओके, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले बुंदेलखंड के कन्नौजों ने हराया था। ओके, और उसके बाद 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक गिल्ड के प्रमुख को कहा जाता था। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन अधिपति, सेकंड ऑप्शन है गहपति, थर्ड ऑप्शन है जेठका और फोर्थ ऑप्शन है अधीर अंश। फर्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? दसवें का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेठका। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक गिल्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जेठका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीता का अनुपालन किया गया। गीता मतलब किसके द्वारा लिखा गया? ओके, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है वेदव्यास, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण वासुदेव, थर्ड ऑप्शन है वाल्मीकि, फोर्थ ऑप्शन है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है आप लोग बताइए। गीता का अनुपालन किया गया मतलब गीता का अनुवाद है, यहाँ लिखा नहीं, गीता का अनुवाद। कौन सा ऑप्शन सही इसका? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण वासुदेव। गीता का अनुपालन किसने किया था? कृष्ण वासुदेव ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मनुस्मृति सरस्वती और दृष्टवति के रूप में रिवाजों के बीच के शासनकाल का संबंध है। चार ऑप्शन है, मतलब किस शासनकाल का संबंध है, किस शासनकाल के रिवाजों का संबंध है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्यवर्त, और सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मवर्त, और थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मश्री देशा, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य देशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर बताइए, मनुस्मृति सरस्वती और दृष्टवति के रूप में रिवाजों के बीच के शासनकाल का संबंध है। 12 का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य देशा उसे कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म ग्रंथों में लिखा गया था, मतलब बौद्ध धर्म ग्रंथ किसमें लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पाली, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है खरोष्ठी, फोर्थ ऑप्शन है मराठी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 13 का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली। बौद्ध धर्म ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित विद्वानों में से जो भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया था वो क्या है? चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया था। ओके, फर्स्ट है वेनिस महारा, सेकंड है महावीर चारिता, थर्ड है उत्तर रामचरित, फोर्थ है मालती माधव। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 14 का सही आंसर क्या है? जो भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया था, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से पुस्तक जो है वो भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, तो 14 का कौन सा आंसर सही है? 14 का है ऑप्शन नंबर ए, वेनिस महारा भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, और ये जो है महावीर चारिता, उत्तर रामचरित, मालती माधव, ये सब भवभूति द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस को किसके तहत लिखा था? मतलब तुलसीदास ने रामचरितमानस को किसके शासनकाल में लिखा था? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां, फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, 15 का सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखा गया था। ओके, तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखा था। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और नीचे दी गई जो लाल बटन है वहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसको आप लोग क्लिक कर दें, और बगल में जो बेल आइकान है उसको दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।